तो आज हम बात करने वाले न्यूरोकाइन D3 टैबलेट के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो इससे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है और 10 टैबलेट का इसका पैक है जिसकी कॉस्ट है 141 रुपया। तो न्यूरोकाइन D3 टैबलेट को किन समस्याओं में आपको लेना चाहिए, ये जब आप इसे लेंगे तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, किस तरह का डोजिंग होता है इसका, कब डॉक्टर आपको इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहें अंत तक। इसका उपयोग तभी करना है जब आपको ये सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपके बोन प्रॉपर स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि आपको स्ट्रेस रहता है, कमजोरी फील करते हैं आप, मसल्स में आपको दर्द होता है, तब इसका उपयोग करना है। या जब आप बहुत वीकनेस आप फील करते हैं, बहुत कमजोरी होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको बार बार जैसे कि कॉमन कोल्ड, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाते हैं, तो इसमें जो मॉलिक्यूल ऐड किए गए ये बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं आपको इम्यून इम्यून बूस्ट करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर मेकोबालामाइन ऐड किया गया है और फोलिक एसिड, तो ये हेल्प करते हैं आपको रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, जिससे आपको अनिमिया वगैरह जैसे कि खून की कमी है तो वो पूरा हो जाती है, और साथ में आपको हीमोग्लोबिन प्रॉपर उससे बने रहे आपके बॉडी में, ताकि ऑक्सीजन वगैरह आपके बॉडी को प्रॉपर मिलते रहे, जिसकी वजह से आपको कमजोरी फील ना हो। और इसके अंदर ऐड किया गया अल्फा लिपोइक एसिड और विटामिन D3। जैसे कि अल्फा लिपोइक एसिड आपको हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स को कम करने में बॉडी में, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में इससे ज़्यादा समस्या होती है तो उस समय इसका यूज करते हैं अल्फा लिपोइक एसिड। तो इसमें जो कि अल्फा लिपोइक एसिड जो है ये क्या करता है, फ्री रेडिकल को कम करता है, साथ में आपको एजिंग को कम करने में मदद करता है, ताकि जैसे कि आप जिस एज के हैं उसी एज में दिखे, ज़्यादा आपकी एजिंग ना हो, जैसे आपका जो मसल्स है वो जल्दी लूज ना पड़े, उसके इलास्टिसिटी अच्छे से बने रहे। विटामिन D3 इसके अंदर ऐड किया गया तो हेल्प करता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में, ताकि आपका बोन अच्छे से वर्क करे। तो जब आप ये मॉलिक्यूल लेना स्टार्ट करते हैं जैसे कि सारे, तो आपको ये सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपका वीकनेस जो वो कम हो जाता है, जैसे वीकनेस आपको फील कर जो होता रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, आप एक जो आपका इम्यून सिस्टम वो बूस्ट हो जाता है, आपका नर्व्स जैसे ब्रेन का नर्व्स वगैरह हो गया, आपका कोई भी नर्व्स रहते हैं वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करने लगता है, जो आपको स्ट्रेस वगैरह था वह कम होने लगते हैं, और जैसे कि आपको जो कमजोरी वगैरह थी वह कम होने लगती है, तो ये सारी समस्या आपको दूर होने लगती है। तो जैसे कि आपकी हड्डियाँ इससे मजबूत होने लगती हैं, इसे दिन में एक बार लेना, वो भी अगर बेड टाइम लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आपको जो मेटालिक टेस्ट वगैरह जो आपको फील होता है खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद, जो आपको अच्छी ढिकारा वगैरह आने लगती है, तो वो ना हो आपको। तो इसके अंदर जब आप लेना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि 10-12 दिन के अंदर आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, लेकिन आपको इसे बंद नहीं करना है, जब तक डॉक्टर आपको इसे एडवाइस किया आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो इसे लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।